अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं मिस्टर टॉक मोबाइल का ब्यूटी पार्लर एंड गैजेट बार, एड्रेस रजवन का पुल नियर हनुमान चौक मेरठ। भाजपा नेताओं की इन दिनों स्थिति अजीबोगरीब हो गई है। व्यापारियों के साथ लगातार हो रही वारदातों को लेकर एडीजी से मुलाकात कर रोष जताते हैं तो बाहर यह कहते नहीं थकते कि प्रदेश में इन दिनों राम राज्य है और सपा बसपा शासनकाल में जंगल राज कायम था। दोनों पार्टियों के सरकार की तुलना में भाजपा शासनकाल में बहुत कम अपराध रह गया है। वहीं एडीजी से मिलकर लौटे सपा के पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर ने कहा कि जब सपा की सरकार थी तो मीडिया आपराधिक घटना होने पर जंगल राज लिखती थी, लेकिन आज वे ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विनीत शारदा यदि अपराधों को लेकर एडीजी से मुलाकात कर रहे हैं तो समझा जा सकता है ना कि प्रदेश में हालात खराब हैं। मुख्यमंत्री को भी अपनी ठोको नीति का आकलन करना चाहिए। हाल फिलहाल में मेरठ जोन में कई आपराधिक वारदातें हुई, इनमें हत्या व पंजाब नेशनल बैंक लूट का प्रयास भी शामिल है और इनमें से किसी का खुलासा नहीं हो पाया है। शहर सराफा बाजार में लूटपाट भी आम हो गया है। इसे लेकर व्यापारी भाजपा नेताओं को घेरते हैं तो भाजपा नेता पुलिस अफसरों को। आज इसी कड़ी में भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विनीत शारदा ने एडीजी प्रशांत कुमार से मुलाकात कर एक ज्ञापन दिया। इसमें तमाम घटनाओं का हवाला देते हुए अपराधों पर रोकथाम की बात कही गई थी। इसके बाद बाहर निकले विनीत शारदा ने प्रेस से वार्ता की। आइए देखते हैं क्या कहा भाजपा प्रदेश व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत शारदा ने। जब से केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार बनी, उत्तर प्रदेश और देश अपराध से मुक्त है। उत्तर प्रदेश में नहीं तो सपा बसपा की सरकार में अपराधी बेलगाम हो चुके थे, अपराधी अपराध करते थे, मेरा व्यापारी भयभीत होता था। आज अपराधी भयभीत है, आज अपराधी जेल से जमानत नहीं ले रहा है। अपराधी को जेल में है या यमराज के पास जाना पड़ रहा है या अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के जाना पड़ रहा है। परंतु उसके बावजूद भी अगर कहीं छोटी घटना होती है, पर मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, मेरे प्रदेश का संयोजक उत्तर प्रदेश व्यापार प्रकोष्ठ का, अगर मेरे गृह जिले में चाहे छोटी घटना भी हो तो मुझे बर्दाश्त नहीं होती है। जिस तरीके से शारदा जी अगर बात करें, 15 दिन में 5 हत्याएं और तकरीबन 4 लूट हो चुकी हैं और जिसमें एक बैंक की डकैती आज तक पुलिस नहीं खोल पाई, तो कैसे अपराध मुक्त होगा। अभी एडीजी ने एसएसपी को बुलाया है, सबको बुलाया है, मैंने सबको बुलवाया है, सब आए सब बात होगी। मेरठ में एक घटना नहीं रुकेगी, देख लेना। मेरठ के मेरे आसपास के जिलों उत्तर प्रदेश में एक घटना नहीं होगी। ये राम राज्य है, ये कृष्ण का युग है, ये कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी और हनुमान की जोड़ी काम कर रही है। यहाँ पे नरेंद्र मोदी और योगी के रूप में कृष्ण अर्जुन और योगी के रूप में हनुमान काम कर रहे हैं। यहाँ मेरा व्यापारी भयभीत नहीं रहेगा, मेरा व्यापारी खुशहाल रहेगा। व्यापारियों के साथ हो चुकी हैं, अभी तक नहीं खुली हैं, उस पर क्या कहना है? खुल जाएगी, पकड़े जाएंगे। मुझे एडीजी ने फुल आश्वासन दिया है। मैं एडीजी की बात से एडीजी महोदय की बात से मुझे विश्वास भी करना चाहिए। मैंने आपसे कहा घटनाएं रुक रही हैं। सपा बसपा की सरकार में 100 घटना होती थी तो मेरी सरकार में 1 और 2 घटना हो रही है, परंतु हमें 1 और 2 घटना भी नहीं चाहिए, हमें 0 घटना चाहिए, हमें कोई घटना नहीं चाहिए। बहन बेटियां सुरक्षित, व्यापारी सुरक्षित, किसान सुरक्षित, युवा सुरक्षित, उत्तर प्रदेश राम राज्य की ओर और कृष्ण और अर्जुन युग अब शुरुआत हो चुकी है। इस कृष्ण अर्जुन युग में जब महाभारत छिड़ती है तो अपराधी छोड़े नहीं जाते। इसके तुरंत बाद ही समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर ने भी एडीजी से मुलाकात कर प्रेस वार्ता की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। नहीं, एक मसला ये है कि जब ये सरकार आई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी बने थे, तो उन्होंने एक नीति का उत्पादन किया, एक नीति बनाई जिसका नाम ठोको नीति था, और एडमिनिस्ट्रेशन ने उनकी इच्छा के अनुसार बहुत लोगों को ठोका भी। लेकिन लगता है कि अब मुख्यमंत्री जी को अपनी उस ठोको नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए। इतने ठोकने के बाद भी अगर क्राइम कंट्रोल नहीं है तो पॉलिसी में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई। क्राइम वो है जिसको आप लोग लिखना शुरू कर दें, कहना शुरू कर दें, हमारी सरकार थी तो आप जंगल राज बतलाते थे, अब इस सरकार को कौन सा नाम दोगे वो आपको तय करना है। हमारी सरकार का आपने जंगल राज का नाम दिया था, अब वर्तमान में तय करो कि ये सरकार जंगल राज है कि नहीं है, या आप ही को तय करने से बात चलेगी।
हमारे अपोजिशन के लोग कहने लगे तो और आप ना छापो ना कहो तो थोड़ा ही बात चलती। आप तो अपने आप जो है परेश सक्षम है हमारे किसी भी सरकार को जंगल राज बतलाने में या जंगल राज अगर कहीं है उसे छुपाने में। तो अभी क्या लगता है? आज इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।